हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। और जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम विकास है और अपने इस चैनल पे मैं 10th क्लास के बच्चों के लिए साइंस की वीडियो लेकर आता रहता हूं। तो आज मैं लाइव प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट आर लाइव प्रोसेसेस। लाइव प्रोसेस से आप क्या समझते हो, या जैसे कोई भी ऐसा फंक्शन जो हमें करना जरूरी है, अगर कुछ हम पर्टिकुलर वर्क नहीं भी कर रहे हैं, अगर जैसे किसी दिन हमें कोई काम नहीं है और मैं चलो सोच रहा हूँ कि ऐसा करके कि चलो यार आज कोई काम नहीं है, आज हम सांस नहीं लेंगे, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन जो हमें अलाइव रहने के लिए जरूरी है, जो हम कुछ करें या नहीं करें वो चीज करना तो जरूरी है ही। ऐसे फंक्शन हम क्या कहते हैं, लाइव प्रोसेस। अगर इसको आप डिफाइन करो, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन वेन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर आर कॉल्ड लाइव प्रोसेसेस। आई वाज समझ, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे हमारे क्या है, लाइव प्रोसेसेस। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर का एग्जाम्पल जैसे अमीबा वगैरह है, और मल्टीसेलर के एग्जाम्पल्स हम खुद हैं। तो इनमें लाइव प्रोसेस परफॉर्म करने का अलग अलग वे होता है। जैसे अमीबा के अंदर वो तो उनका जो पूरा ऑर्गेनिज्म है, पूरा जो उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, वो एक ही सेल से बना होता है, इसलिए सारा का सारा जो वो मेंटेनेंस फंक्शन है एक ही सेल से परफॉर्म करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन है, या एक्सक्रीशन है, या ट्रांसपोर्टेशन है, या एक्सचेंज ऑफ गैस है, जो भी फंक्शन है वो एक ही सेल से परफॉर्म करते हैं। और ये जो फंक्शन है, ये परफॉर्म कैसे वो करते हैं, तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन, दैट इज न्यूट्रिशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एटसेट्रा। और आपको तो पता ही है कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं, ये 9th में ही पढ़ाया जाता है। तो जहां पर हायर कॉन्सेंट्रेशन है और वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट ऑफ गैसेस है, उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। आई बात समझ। तो इसी डिफ्यूजन प्रोसेस से जो अमीबा वगैरह है वो अपने सारे लाइव प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, बट हम अपने सारा जो लाइव प्रोसेस है वो डिफ्यूजन प्रोसेस से परफॉर्म नहीं कर सकते, या हमारी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो अपने डिफ्यूजन प्रोसेस से हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो यही हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कि व्हाई डिफ्यूजन इज इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस। डिफ्यूजन प्रोसेस से हमारे जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा क्यों नहीं कर सकते, ये हमारा क्वेश्चन है। आई बात समझ में। देखिए, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर और अमीबा या कोई और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस होता है। उनका क्या है, पूरा स्ट्रक्चर एक ही सेल से बना होता है, इस कारण से वो डिफ्यूजन प्रोसेस से अपने सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, बट हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो सेल है उसका जो इंटायर जो सर्फेस है वो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं होता है। आई समझ में। इसका आंसर आप क्या लिखोगे, कि इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस the all the cells may not be in direct contact with the environment, that so diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of organisms like human being। और जो next question लिया है मैंने, why there is a need of proper transportation system in human being। हमारे body के अंदर proper transportation system की क्या जरूरत है। तो ये तो आपको पता ही है कि जो फूड है वो हमारा जो हम खाते हैं तो स्टमक में जाता है, और जो भी हम सांस लेते हैं जैसे ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो कहाँ जाता है, लंग्स में। बट हम ये सारा जो चीज है वो एक जगह लेते हैं, बट उसकी जरूरत हमारे सारे बॉडी पार्ट्स को होती है। तो इस कारण से एक हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत होती है। इसका आंसर आप क्या लिखोगे, सिंस फूड एंड ऑक्सीजन आर टेकन अप एट वन प्लेस एंड ऑल द बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग रिक्वायर दीज सब्सटेंसेस, सो दिस क्रिएट्स अ नीड फॉर द प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन आवर बॉडी। अब यहां से हमारा जो नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, न्यूट्रिशन। आई बात समझे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, डिफाइन न्यूट्रिशन। तो आप डेफिनेशन कैसे दोगे न्यूट्रिशन को, जैसे आसपास जो है हम जो भी फूड पार्टिकल को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, द प्रोसेस बाय विच द सोर्स ऑफ एनर्जी इज टेकन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन।
अब न्यूट्रिशन भी दो तरह का होता है, जैसा कि आपको पता ही है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और हमें ये डिटेल में अभी पढ़ना है। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर देयर न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन सेक्शन में जो इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो क्या है, क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय एंजाइम या डिफाइन एंजाइम। तो एंजाइम क्या चीज है वो समझने की कोशिश करिए पहले, कि जैसे जो भी चीज हम खाते हैं जो फूड पार्टिकल वगैरह वो कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है और उसको पूरी तरह डाइजेस्ट होने के लिए सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। तो ऐसा केमिकल बायोकेमिकल ऐसा जो भी जो हमें उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। तो आप डिफाइन कैसे करोगे, एंजाइम्स आर द बायोकैटेलिस्ट विच कन्वर्ट द फूड पार्टिकल ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर इनटू द सिंपलर वंस फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेक्शन में वो क्या है कि फोटोसिंथेसिस को आपको डिफाइन करना है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे फोटोसिंथेसिस को, द प्रोसेस बाय विच autotrophs take in substances in the form of carbon dioxide and water which is converted into carbohydrate in presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। ये इसका proper definition है, आप याद कर लेना और उसके नीचे ये equation लिख रहे हैं क्या। तो जो green plants होते हैं वो क्या लेते हैं, तो CO2 plus water और उसको convert किस में करते हैं, तो 6 कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, और इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर सिक्स और वाटर से पहले 12 और यहां पर 6 और एरो के आपके ऊपर क्या लिखना है, तो सनलाइट और एरो के नीचे क्लोरोफिल। आई बात समझ में, ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होता है। इसके तीन स्टेप्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मैं लिखता हूं जैसे पूरा तो नहीं लिख रहा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। आई क्वेश्चन में सेकेंड स्टेप क्या है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और सेकेंड पॉइंट में ही आपने क्या लिखना है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर जो मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है। और जो तीसरा पॉइंट है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। CO2 जो है जो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम एब्जॉर्ब करते हैं, इनहेल करते हैं एटमॉस्फेयर से, वो फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में। आई बात समझ में, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में मैं इसके बाद वाला जो भी टॉपिक है वो कवर करूंगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।